इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में बीजेपी महामंत्रियों की बड़ी बैठक चल रही है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर इस बैठक में मंथन किया जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, दिल्ली में बीजेपी महामंत्रियों की बैठक, और इस बैठक को लीड कर रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा यह जा रहा है कि इस बैठक का मकसद है 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां करना। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यह बैठक शुरू हो गई है। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। तमाम बीजेपी के महामंत्रियों को इस बैठक में बुलाया गया है। दिल्ली में तमाम लोकसभा सीटें, पिछली बार 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो सारी की सारी सीटें बीजेपी ने ही जीती थी। मकसद यही है कि 2023 में, 2024 में जब लोकसभा चुनाव होंगे तब सारी सीटों पर बीजेपी एक बार फिर इसी तरह से कब्जा करे। इसी को लेकर इस बैठक में मंथन चल रहा है। बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनावों की तैयारियां कर दी हैं, अलग अलग राज्यों में रणनीतियां बनाना शुरू कर दिया है। दिल्ली में भी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति के तहत ये बैठक आज बुलाई गई है। इस खबर पे और ज़्यादा अपडेट के लिए सीधा रुकते हैं मेरे सहयोगी कुमार गौरव का। गौरव, जरा बताएं बैठक को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार बैठकों का दौर ले रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, और अभी महामंत्रियों के साथ बैठक चल रही है। खास करके मुख्य तौर पर 2023 में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उन विधानसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति क्या है, जमीनी हालात क्या है और पार्टी की तैयारी कितनी हो चुकी है, इन सभी मुद्दों पर महामंत्री जो इंचार्ज होते हैं, चूंकि ये जो महासचिव है वो किसी न किसी राज्य के इंचार्ज होते हैं, वो सभी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और राज्य से क्या फीडबैक आया है उन तमाम मुद्दों पे चर्चा चल रही है। और इसके बाद आप देखेंगे, इस बैठक के बाद अगले 10 दिनों तक 1 तारीख से लेकर प्रधानमंत्री भी तमाम सांसदों के साथ बैठक कर क्षेत्रवार जानकारी जुटाएंगे। तो ये तमाम जो प्रैक्टिस चल रहा है, ये तमाम जो एक्सरसाइज चल रहा है, वो सब विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चल रहा है। और आज की भी बैठक में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है, खासकर उन राज्यों की स्थिति और पार्टी की रणनीति क्या हो, इसको लेकर चर्चा चल रही है। गौरव, लौटेंगे आपके पास दोबारा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।